तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम आपके लिए लेके आएंगे एक फिजिक्स एनिमेशन का कोर्स, चलिए आज से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने VFX और एनिमेशन को कभी सीखने के बारे में सोचा भी है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं और ब्लेंडर 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि वेब फॉर क्लिक के प्ले लिस्ट में पूरा एक कोर्स मौजूद है जिसमें 65 चैप्टर से ज़्यादा की वीडियो वहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे आप ब्लेंडर में 3D मॉडलिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझना है और थोड़ी सी गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं जो आपको हमारी वेबसाइट www.madhavproduction.com पे मिलेगा, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये फिजिक्स एनिमेशन होता क्या है। अभी तक जो भी चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे थे वो हमारी कस्टम एनिमेशन में आती है, जिसको हम की फ्रेम लगा के ऑपरेट करते हैं। लेकिन फिजिक्स एनिमेशन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए, सिंपल एनिमेशन में अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह का सिंपल पानी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिजिक्स एनिमेशन का इस्तेमाल करके इसी पानी को आप इस तरीके से बिल्कुल नेचुरल बना सकते हैं। इसके अलावा कस्टम एनिमेशन में जो हम किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो की फ्रेम लगते हैं बहुत ही सिंपल लेवल पे लगते हैं, और जब हम एनिमेट करते हैं तो कैरेक्टर बिल्कुल रोबोट की तरह यहाँ पे हमें महसूस होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फिजिक्स एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप कैरेक्टर की पूरी बॉडी को नेचुरली यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैरेक्टर में बहुत सारे ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स दिखा सकते हैं जो कस्टम एनिमेशन में आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको अगर कार्टून बनाना सीखना है तो पहले आपको यहाँ पे कस्टम एनिमेशन से कार्टून बनाना सीखना पड़ेगा, और इसके लिए हमारा एक पेड कोर्स मौजूद है जिसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं माधव प्रोडक्शन, और हमारी वेबसाइट www.madhavproduction.com पे आपको हमारा कार्टून वाला कोर्स मिल जाएगा। जितने भी आप यूट्यूब पे सिंपल लेवल के कार्टून्स देखते हैं वो सभी कार्टून्स आप बना पाएंगे इस कोर्स के बाद। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो आप अपने एनिमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको आंधी में यहाँ पे कुछ चीजों को उड़ते हुए दिखाना है तो फिजिक्स एनिमेशन की मदद से आप यहाँ पे हवा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कपड़ों की एनिमेशन दिखानी है तो फिजिक्स एनिमेशन की मदद से आप कपड़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे मन करे वैसे उनको नेचुरली दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में केवल आप सोचते हैं, लेकिन फिजिक्स एनिमेशन की मदद से आप उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिजिक्स एनिमेशन के ऑप्शन आखिर होते कहाँ हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लेंडर को ओपन करेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ साइड में आपको प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन हाईलाइट होगा जिसका नाम है फिजिक्स प्रॉपर्टीज। इस पे आपको क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यही हमारे फिजिक्स एनिमेशन के ऑप्शन है। दिखने में तो ये बहुत ही सिंपल और कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर एक ऑप्शन आपका एक पूरा का पूरा कोर्स है, और जितने भी हमारे दिग्गज साइंटिस्ट हुए हैं जिसने फिजिक्स के लॉ दिए हैं, जैसे कि न्यूटन हो गए, आइंस्टीन हो गया, जे थॉमसन हो गए, ऐसे सभी साइंटिस्ट के लॉ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि बीटेक, पीएचडी, और भी बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें हमारे फिजिक्स के लॉ पढ़ाए जाते हैं, वो सभी के सभी लॉज यहाँ पे ये वाले जो ऑप्शन है इनमें अप्लाई होते हैं।
तो यहाँ पे स्किल सीखने के साथ साथ सारे के सारे लॉ भी हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि इसमें एक एक ऑप्शन हमारा फिजिक्स के लॉ के हिसाब से काम करता है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके समझेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं वन बाई वन यहाँ पे समझेंगे कि ये आखिर किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से इनको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।